वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। बीएससी फर्स्ट ईयर से एक न्यूमेरिकल हल करते हैं सीबीएच की बुक से, अनसोल्ड न्यूमेरिकल। एक बल एफ थ्री आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस थ्री के कैप न्यूटन एक पिंड पर कार्यरत है। यह पिंड को जीरो जीरो से यानी मूल बिंदु से 111 मीटर बिंदु तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। तो कार्य ज्ञात करना है। देखिए हमें क्या दे रखा है, बल दे रखा है, बल एफ दे रखा है थ्री आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस थ्री के कैप। प्रारंभिक स्थिति क्या दे रखी है, प्रारंभिक स्थिति को हम आर वन मान लें तो जीरो जीरो है, तो आर वन इज जीरो। हम इस जीरो को, जीरो एक वेक्टर है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, तीनों घटक जीरो होंगे। स्थिति सदिश में अंतिम स्थिति क्या है, अंतिम स्थिति है हमारे पास आर टू एंड दैट इक्वल टू 111 यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो विस्थापन कितना हुआ, सो विस्थापन डी आर इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, और ऑब्वियसली आर टू में से आर वन को घटाएंगे तो यही बचेगा, मूल बिंदु है, मूल बिंदु से कोई डिफरेंस लेंगे, विस्थापन लेंगे तो वही आ जाएगा सेम आई प्लस जे और प्लस के। सो कार्य क्या होगा, इसलिए कार्य डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर। यहां एक बात बहुत ही समझने वाली है, हम यहां डायरेक्ट सूत्र लगा रहे हैं एफ डॉट डी आर, लेकिन कई बार हम इंटीग्रल भी करते हैं, रेखा समाकलन ज्ञात करते हैं, रेखा समाकलन भी कार्य देता है बल द्वारा किया गया। उसका कारण क्या है, क्योंकि यहां बिंदु जीरो जीरो से 111 पर जा रहा है सीधा जो कण है वो, यानी जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है, पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हम डायरेक्ट एफ डॉट डी आर कर रहे हैं। जब पाथ वक्र होता है तब डी आर, क्योंकि प्रत्येक पथ पर डीआर की डायरेक्शन बदलेगी और बल की डायरेक्शन भी बदलेगी, दोनों के बीच का कोण बदलेगा, इसलिए हम डायरेक्ट एफ डॉट डी आर वहां नहीं कर सकते। तब हमें पथ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा और फिर उन सब का योग यानी रेखा समाकलन ज्ञात करना होगा। तो यहां हम ऐसी स्थिति नहीं है और डायरेक्ट अदिश गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। सो डब्ल्यू विल बी, दिस विल बी थ्री आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस थ्री के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अदिश गुणनफल हम जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर है उसका खुद के साथ अदिश गुणनफल वन होता है और दूसरे के साथ जीरो होता है, यह आप थोड़ा सा समझ लें। चूंकि ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होता है अपने पास, ए बी कोस थीटा, इन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू दोनों के बीच के कोण का कोस। सो खुद का खुद के साथ क्या होगा, जिससे आई डॉट आई, आई का परिमाण एक, दूसरे आई का भी एक, दोनों के बीच का कोण खुद का खुद से कोण जीरो डिग्री, तो कोस जीरो तो वन, सो वन, वन इंटू वन इंटू वन, कोस जीरो वन सो वन। दूसरा किसी के भी साथ लेंगे, जैसे आई डॉट जे है, सो ए बी कोस थीटा, आई का परिमाण वन, जे का परिमाण वन, और आई और जे के मध्य कोण 90 डिग्री। एक्सों के साथ ये स्थिति सदिश हैं, तीनों अक्षों के अनुदिश, और एक्सेस चूंकि परपेंडिकुलर होती हैं तो इनके मध्य कोण 90, तो कोस 90 डिग्री, और चूंकि कोस 90 जीरो होता है तो ये जीरो।
तो यहां जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे 3i का पहले इससे होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे, 3j का इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, तो जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उनमें केवल तीन कॉम्बिनेशन बचेंगे, बाकी जीरो हो जाएंगे, i डॉट i वन और थ्री। तो एक तो आ गया थ्री i डॉट i यानी थ्री इंटू वन सो वन, इसका इसके साथ करेंगे i डॉट j जीरो, i डॉट k जीरो, फिर j का j डॉट i जीरो, j डॉट j वन, सो प्लस इंटू प्लस प्लस और थ्री। इसी प्रकार j डॉट k जीरो, फिर k k डॉट i जीरो, k डॉट j जीरो और k डॉट k वन, सो माइनस थ्री इंटू वन, सो माइनस थ्री, सो थ्री कैंसिल बाय थ्री, सो थ्री, सो w विल बी थ्री जूल, तो कार्य हो जाएगा तीन जूल। तो ये हमारा न्यूमेरिकल रहा, आगे भी हम और न्यूमेरिकल इस पे करेंगे। थैंक्स।